गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10,000 वर्ड मीनिंग सीरीज का थर्ड क्लास है। चलिए आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है एपोकाल्प्स। एपोकाल्प्स का मतलब क्या है? कयामत। एपोकाल्प्स का मतलब क्या है? कयामत। देखिए बड़ा आसान सा लॉजिक पे बताएंगे आप लोगों को। एपोकाल्प्स, देखिए बंदा का शादी हुआ। अब शादी होता है तो बंदा पूरा केयर करता है, बहुत ज्यादा केयर करता है शुरुआत में, बाद में फिर पता ही है कि दोनों में कुंभ चालू हो जाता है। शुरुआत में बहुत केयर करता है, वो पूरा कोशिश करता है कि बंदे की आंख में थोड़ा भी आंसू ना आ जाए, क्योंकि पता ही है कि अगर आंसू आ गया तो फिर तो कल्याण है। एक दिन बंदी अगर रो गई तो फिर तो सारी जिंदगी उसको रोना पड़ेगा। इसलिए बंदा पूरा कोशिश करता है कि बंदी की आंख में आंसू थोड़ा भी ना आए। तो जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आया, जैसे ही तुरंत ये बोलता है आपके कल्पने से क्या आ जाएगी? कयामत आ जाएगी। प्लीज रोइएगा नहीं देवी, थोड़ा भी अगर रो गए तो आपके कल्पने से आंखों में क्या आ जाएगा? पूरी कायनात में कयामत आ जाएगी। क्योंकि बंदा पता है अगर बंदी रोई तो फिर तो मायके वाला आएगा, इसका बैंड बजा देंगे। बंदा जो बिका है ना ये कैश पे, उसका तो भाई पूरा केयर करना पड़ेगा इसको। तो तुरंत बोला आपके कल्पने से क्या आ जाएगी? कयामत आ जाएगी। देखिए हर वर्ड, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर अगर बहुत सारा ट्रिक हो जाएगा तो फिर सर हम उसको याद कैसे रखेंगे ट्रिक को। तो मैंने कहा भाई ये ट्रिक नहीं है, जब ट्रिक मिलता आपको अलग से तो आपको याद करने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सवालों के अंदर ही जवाब, वर्ड के अंदर ही मीनिंग, जब सवालों के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई सवाल आपसे पूछेगा, जब उस सवाल को देखेगा ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक नरेशन में बताया था और आपको ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा भी, कि जैसे मैंने बताया था कोई पूछता है पर्सन कितना है तो मैंने कहा बस ये कर दो, कितने पर्सन है बस ऐसे कर दो। ये क्या हो गया भाई, ये पर्सन हो गया। सामने लगेगा भाई उंगली दिखा रहा है, भाई उंगली नहीं दिखा रहा हूं मैं पर्सन बता रहा हूँ। कैसे? ये अपनी तरफ जो इशारा किया है फर्स्ट पर्सन, जो सामने इशारा किया सेकंड पर्सन, बाकी दुनिया में जो बच गया सबका सब थर्ड पर्सन। तो एक बार कोई ऐसे करेगा तो दिमाग में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इशारा ये खुद की तरफ कर रहा है फर्स्ट पर्सन, सामने किया सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन। तो ये क्या लॉजिक है? और लॉजिक और ट्रिक में बहुत का अंतर होता है। ट्रिक आपको लिखा के आपको याद करवाया जाता है, लेकिन लॉजिक क्या है, आपको जब भी वो देखेगा, जब भी उंगली को देखिएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपका तीनों पर्सन। वैसे ही जब इस वर्ड को एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको देखिएगा आप कल्पने से, तुरंत दिमाग में आपके कल्पने से क्या जाएगा भाई? कोई कल्पना, गांव में रोना वो कल्पना बोलते हैं, जब शिशक शिशक कोई रोता है ना तो गांव में कहा जाता है कि बहुत कल्प कल्प की बात बोला, बहुत रो रो के उसने बोला। तो उसने क्या बोला कि आपके कल्पने से क्या आ जाएगी? कयामत आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हम लोग, अप्रोवर मिस हंगामा। देखो फिल्म इन दोनों का पिक है। अप्रोवर मिस क्या होता है? हंगामा। अप्रोवर मिस क्या है? हंगामा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। अब जैसे इसकी आंखों में आंसू आया तुरंत बोला आप रो रहे हैं, अगर आप रोए, अगर आप रोए, अगर आप रोए तो क्या आ जाएगा? हंगामा हो जाएगा चारों तरफ, पूरे मायके दोनों में हो जाएगा कि भाई क्यों, मायके वाले पहुंच जाएंगे मेरी बहन को, मेरी बेटी को, भाई आंसू कैसे आ गया? बंदा का जो भी पहुंचने पर 1,000-2,000 मिलता था वो तो गया, लॉस ही लॉस है। इसलिए जैसे ही बंदी रोएगी तो बोलेगा आप रोए तो क्या हो जाएगा घर में? हंगामा। इसलिए प्लीज देवी कभी रोना मत, पूरा कोशिश करेगा कि इसकी आंखों में आंसू ना आए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हम लोग, बहन होमी का मतलब होता है मिलनसार। आप लोग एक गांव में एक रिलेशन जानते होंगे, हंसी मजाक का रिलेशन है बहनोई और सार का। बहनोई और सार का जो वाइफ का भाई जो होता है वो सारा लगता है, सारा गांव में सार भी कहा जाता है, और बहनोई बहन के इधर से होता है बहनोई। तो थोड़ा बहुत क्या मेरे रिलेशन में भी हो सकता है कुछ मिस्टेक, तो क्योंकि रिलेशन में टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ देखिएगा भाई मेरे इसको कैसे याद करेंगे। तो बहनोई का मिलन हो रहा है किससे हो रहा है? सार से। बहनोई का मिलन किससे हो रहा है? सार से हो रहा है। इसका एक और मीनिंग है, एक और मीनिंग है इसका, इसका एक और मीनिंग क्या है? खुश मिजाज। खुश मिजाज देखिए वो भी कैसे, बहनोई कैसे होते हैं खुश मिजाज होते हैं, आते हैं हंसी मजाक करना घर वालों में सबसे, तो बहनोई खुश मिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं। बहनोई का मिलन किससे हो रहा है? सार से हो रहा है। वर्ड को देखते के साथ ही दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, वर्ड नंबर 4, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित। देखिए बंदा का पेंट निसरता जा रहा है नीचे। एक बचपन में देखते हुए कहा जाता है जो दुनिया में भले माँ अंगूठा छाप हो, भले माँ पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जो नॉलेज माँ के पास होता है अपने बच्चों के लिए वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। पहला स्कूल जो होता है वो माँ से ही शुरू होता है घर में।
तो अगर किसी बच्चे का अंगूठा चुनने का आदत होता है तो बहुत ट्राई करता है कोई भाई, लेकिन छोड़ता नहीं है, वो बचपन में आदत होता है अंगूठा चुनने का, तो माँ क्या दिमाग लगाती है कि उसका थोड़ा पैंट ना लूज कर देती है, उसका पैंट ढीला करती है। बंदा क्या होगा कि जब भी हाथ ऊपर करेगा पैंट तो सड़ जाएगा, बंदा कहां से पैंट ऐसे ऊपर किया रहेगा। तो जो उसका आदत था अंगूठा चुसने का, वो सारा का सारा मेहनत किसमें लग रहा है, पैंट ऊपर करने में, इसलिए उसका अंगूठा चुसने का आदत खत्म हो जाता है। तो बड़ा बेजोड़ दिमाग लगाया गया ये बोला। तो राम करके राम का पैंट क्या हो गया, अनियंत्रित हो गया। राम का पैंट क्या हो गया, अनियंत्रित, नीचे ससरता जा रहा है बंदा का। राम का पैंट अनियंत्रित हो गया है। अगला वर्ड पे आते हैं, बेट का मतलब गुस्सा। अब देखते हो कि भाई शादी के बाद तो भाई ये नॉर्मल बात है, शादी के बाद बड़ा नॉर्मल बात है कि भाई छोटी छोटी बात पे बस गुस्सा हो जाए, लड़ाई कर लेना। देखो क्या बोलेगा बंदा ये, क्या यार बातें बात पर, बातें बात पर तुम क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। और जो लोग लगे रहते हैं उनको भी बेहतर पता होगा इस वर्ड का मीनिंग कि बातें बात पर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातें बात पर गुस्सा हो जाते हैं। जब भी इस वर्ड को जहां पूछेगा देखेंगे वहां पे बातें, तुरंत दिमाग में आएगा बातें बात पर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कोरोबरेट का मतलब होता है पेश करना, पेश करना जब पुलिस के सामने। देखो कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, कौन रॉबरी किया है, रॉबरी पता है आपका, डकैती करना, चोरी डकैती करना, तो कौन रॉबरी किया है कब, राते में, राते में रॉबरी कौन किया है उसको मेरे सामने क्या करो, पेश करो। कौन रॉबरी किया है रात में उसको मेरे सामने क्या करो, तो मेरे सामने उसको पेश करो। याद हो गया होगा इतना वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेवन नंबर पे आते हैं, बिनवॉलेंट का मतलब होता है परोपकारी। बिनवॉलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, तो बिनवॉलेंट बहुत ही आसान तरीके से, भोलेनाथ का पिक है, सुबह सुबह भोलेनाथ का भी आशीर्वाद ले लिया जाए, कहा जाता है विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो बिनवॉलेंट का मतलब परोपकारी। देखो इनके बारे में तो बहुत बढ़िया लाइन है कि बने हैं भोलेनाथ, बने हैं भोलेनाथ, बने हैं भोलेनाथ, सब पर कृपा करते हैं, सबका भला करते हैं, परोपकारी होते हैं, बने हैं भोलेनाथ क्या करने के लिए, परोपकार करने के लिए, जग का कल्याण करने के लिए। अगला वर्ड है, डायर का मतलब होता है भयानक। डायर, डायर में स्वयं भयानक, तो बड़ा आसान जाएगा। डर, डर, डर कब लगता है, देखो रात में देखते होंगे कहीं गलती से ये खोपा वाले दिख गए रात में, अब कहीं जा रहे हैं अंधेरे में, व्हाइट ड्रेस और खोपा लटका हुआ, अभी पीछे नहीं इधर। एक तो समझ में नहीं आता है, कोई अगर जेंट्स भूत बन जाए तो बंदा से कोई डरे ही नहीं, जैसे आप भूतनाथ मूवी देखे होंगे, अमिताभ बच्चन से एक बच्चा भी नहीं डरा, और जो चुड़ैल बनती है तो बाल रहे उसका, तो बस एक बार से अपना खोपा आगे कर ले, बंदा साफ देख कर ही खत्म है बंदा। तो एक तो जेंट्स भूत में भी भोले भोला वाई लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अगर ये अगर बन जाए तो फिर तो भाई पता ही है, सिर्फ उसका बाल आगे आने की देरी है, बाकी तो बंदा सरेंडर देख कर ही हो जाएगा। तो डर, डर लगता है किससे, भयानक चीजों से। अगला वर्ड है, एगॉग का मतलब उत्सुक। लड़का लोग के लिए बड़ा खतरनाक वर्ड है, एगॉग मीन्स उत्सुक। बताइए शादी के बाद क्या सुनने को मिलता है, ए जी ओ जी। तो सब का सब क्या होता है, ए जी ओ जी सुनने के लिए सब लोग क्या होता है, उत्सुक होता है सब लोग, लेकिन इसको मीनिंग नहीं पता होता है। ए जी शॉर्ट फॉर्म, जब गधा बोलना होता है ना वाइफ को, अगर बदला लेना होता है हस्बैंड से, बड़ा आसान सा, तो ए जी ओ जी बोलते बंदा समझ में नहीं आता है, लगता है कि क्या रिस्पेक्ट मिल रहा है, ए जी अबे गधे ओ गधे वाला मीनिंग है। वैसे भी आया था कि ये एक वर्ड सुनते होंगे, बाबू सोना वाला, तो वास्तव में ये शादी के बाद भी यूज होता है, लेकिन अलग तरीके से यूज होता है। देखते होंगे कि शादी के बाद ये वर्ड सुनने को मिलता है, अगर ज्यादा रिस्पेक्ट करती है वाइफ तो वर्ड आता है वहां पे, वो एजी बोलती है, और ऐसे क्या बोलती है, ए यू, लड़ाई अगर हो गया ए यू जस्ट शट अप, और ऐसे प्यार से बोलना था तो एजी। देखिएगा ये क्या था, एजी, एजी किसका सिंबल है, आप लोग साइंस पढ़े होंगे इतना, ये किसका है, ये चांदी का है, और ए यू जब गुस्से में बोलते थे क्या है, सोना, तो वही बाबू सोना है वो भाई, क्या है देखिए, एयू, एयू का मतलब भी क्या होता है, सोना। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एयू सिंबल किसका है, सोना का। तो हम लोगों के इंडिया में ज्यादातर शादी के बाद हस्बैंड को चांदी माना जाता है, और बाहर में तो पता ही है सबको, बाबू सोना जगह पे एयू उसी का जस्ट रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एगॉग, ए जी ओ जी, जब भी वो एग्जाम देखिएगा वर्ड ए जी ओ जी सुनने के लिए सरकार लोग क्या होता है, उत्सुक होता है। अगला वर्ड देखिएगा, फोरबियर का मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, फोरबियर।
फॉर बियर मीन्स, देखिए फोर पैक बियर का लगाया किसी ने, जैसे ही कोई फोर पैक बियर का बना के दिया तो तुरंत भाई देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इशारा, हाथ का इशारा आप देख सकते हैं, तुरंत ऐसा कर दिया भाई नहीं हम अब ड्रिंक नहीं करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि लाइफ में कुछ भी करना लेकिन ड्रिंक कभी मत करना, ये एक ऐसा लत है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही कर सकता है, कल उसका लाइफ नहीं बना सकता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ वो बर्बाद होगा, प्रॉब्लम यह है कि ये ड्रिंक करने वाले का पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। भाई तुमको अगर बहुत शौक है बर्बाद होने का हो जाओ, तुम अपने चक्कर में पूरा फैमिली क्यों बर्बाद करते हो, तो लाइफ में कभी भी ये चीज मत करना कोई भी। तो फोर बियर लगाया, बियर का पैक लगा कर दिया, तुरंत बोला भाई अब नहीं, तुरंत क्या किया उससे दूर हट गया। अगला वर्ड देखते हम लोग, एब्रोगेट का मतलब मना करना, एब्रोगेट देख सकते हैं गेट पर लिखा हुआ नो एंट्री, बड़ा आसान सा लॉजिक है। अब रो गेट पर ही मान लिया कोई स्टूडेंट आया और उसका पेमेंट नहीं दिया, बहुत दिया, कोई शरारत करता है तो क्या किए, गेट पर ही बोले अब रो तुम गेट पर ही, क्योंकि तुमको अंदर आने से मैं क्या कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। किसी को अंदर आने से मना कर दिया गया क्या करेगा, अब रो तुम कहाँ पे, अब रो तुम गेट पर ही, क्योंकि तुमको अंदर आने से क्या किया गया है, मना किया गया, नो एंट्री लगा दिया गया। अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डोलफुल का मतलब होता है उदास, बहुत ही मजेदार वर्ड है। डोलफुल का मतलब क्या होता है, उदास होता है। देखिए बेटी का विदाई हो रहा है, देखिएगा बहुत ही मजेदार वर्ड है, आप लोगों को पता है जब विदाई होता है तो इतना खतरनाक टाइप से रोया जाता है कि बस पूछो मत, बस उतना ही देर का, उसका गाड़ी में बैठने के बाद फिर तो बस हो गया। तो डोली में फूल जैसी बेटी, अरे बेटी को फूल जैसे ही कहा जाता है, बेटा को तो भाई पता नहीं हथौड़ा कहा जाता है कि रोड़ा पत्थर कहा जाता है, समझ नहीं आता है। ये फूल वर्ड तो बेटा के लिए कभी यूज ही नहीं होता है, पता नहीं कि बेटा इतना खतरनाक क्यों होता है, बेटी सब फूल जैसी होती है। तो डोली में फूल जैसी बेटी को विदा करते हुए माँ बाप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। डोली में फूल जैसी बेटी को विदा करते समय माँ बाप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अब बेटा को 2 लाख देके घर से भगा दे कांड भी सब ऐसा ही करता है। यम्मी स्वादिष्ट, देखो मम्मी खाना परोस रही है इतना मस्त मस्त स्वादिष्ट, क्या यम्मी, मम्मी का खाना कैसा होता है, यम्मी होता है। मम्मी का खाना कैसा होता है, यम्मी। मम्मी ने खाना कैसा बनाया, यम्मी। आज जब मम्मी खाना बनाएगी अभी क्या बोलेगा, मम्मी खाना कैसा है, यम्मी। ठीक है ना, आज से मम्मी जब खाना बनाएगी मम्मी को बोलना मम्मी खाना कैसा है, यम्मी। ओके नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, वल्पाइन का मतलब होता है दुष्ट। वल्पाइन का मतलब क्या होता है, दुष्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिल होने के बाद भी पैदल जा रहे हैं, अब साइकिल होने के बाद भी पैदल जा रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे साइकिल का जो भालपिन है, भालपिन कोई खोल लिया है तो क्या बोलेंगे, अरे भालपिन खोल लिया यार, कौन खोल लिया, बड़ा दुष्ट आदमी था, कोई जो भी खोला होगा बहुत ही दुष्ट होगा। तो भालपिन खोल लिया साइकिल का, कौन खोल लिया, जो भी भाई भालपिन खोला होगा उसका भाई नुकसान किया, कैसा आदमी होगा वो, दुष्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ग्लीब का मतलब धारा प्रवाह। कभी देखते होंगे आप लोग लड़ाई होता होगा या गांव घर में लड़ाई होता होगा, देखते होंगे आप लोग कि गुस्से में गाली बी से बकता है, कैसे गाली बोलता है, कैसे गाली बकता है, तो पता है जब गुस्सा में गाली दिया जाता है तो कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं आता है, 2-4 पुश्त पिछला, 2-4 पुश्त अगला, सब बाहर कर दिया जाता है इतना गाली। तो गाली कैसे बकता है, सब धारा प्रवाह, बीच में कोई थोड़ा स्लो भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है वो गाली दिया फिर थोड़ी देर रुकेगा फिर बोलेगा ठीक है गाली नंबर 2, फिर वो गाली देगा फिर बोला गाली नंबर 3, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होता, उसके बाद शुरू से लेकर सीरीज में चलता रहता, जब तक कि बंदा सामने वाला हट ना जाए तब तक कंटिन्यू रहेगा, कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं, 2-4 पुश्त तो देख ही लेगा, 8-10 पुश्त। तो गाली कैसे बकता है, धारा प्रवाह बकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, बैडी जींस। बैडी जींस का मतलब होता है भरकीला कपड़ा पहनना, देखते होंगे कोई कोई पहनता होगा खतरनाक वाला जींस पहनता होगा, 2-4 गो पॉकेट जींस में नीचे 2-4 गो इधर फीता लटका हुआ मिलेगा, जींस में 4-5 गो फीता लटका हुआ मिलेगा। पहले के टाइम में मैंने देखा था, मैं दिल्ली में सब दिन रहा हूँ तो दिल्ली में रहा था तो वहां पर देखता था कि एक बार एक जींस ऐसा आया था कि बड़ा बड़ा पॉकेट होता था जींस में और वो इधर भी फीता इधर भी फीता, मतलब जींस में 7-8 गो फीता लटका रहता था। तो ये कंपनी वालों ने बनाया ना, बड़ा सोच के बनाया क्योंकि उसको पता है कि आजकल का लड़का सबका आदत हो गया, रास्ते में चलेगा तो बस हाथों में मोबाइल होना चाहिए बस, और बंदा चलता जाएगा ऐसे से बस फिर से टकरा जाएगा, सॉरी भाई लगा रहेगा बंदा पूरे रास्ते में। देखता हूँ कई बार मैं मार्केट निकाल देखता हूँ कि भाई चल रहा है लगा हुआ है फोन में ही, इतना नशा हो गया फोन का, सबसे बड़ा नशा आजकल फोन का ही है। तो कंपनी वालों ने सोचा कि भाई अब बंदा को फोन भी चलाना, और मम्मी ने बोल दिया मम्मी को जा 2-4 गो कद्दू ले लेना मार्केट से, थोड़ा बहुत प्याज ले लेना, आलू ले लेना, अब बंदा को फोन भी चलाना है तो उसके लिए वही जींस बेहतर है।
गया मार्केट में, वही जींस खरीदा, और जब मम्मी ने कहा जाके खाना ले आओ, कुछ सॉरी खाना कोई सब्जी ले आना है, कोई भी चीज मार्केट से ले आना, कद्दू ले लेना चार गो, क्या करता है वही जींस पहन लिया, चार पांच को फीता है ही, आराम से 1 किलो प्याज लिया है वो फीता में लटका लिया, एक दो गो कद्दू लिया है वो दो गो फीता में इधर लटका लिया, आलू लिया पीछे वाला पेंट के पॉकेट के फीता में लटका लिया, बस सब सब फीता फुल हो गया, आराम से हाथ हाथ फ्री है, चल रहा है मोबाइल लेके चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा पेंट में सब्जी लटका हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं, हाथ फ्री हो गया। तो कंपनी वाला जिसने बनाया बड़ा मस्त जींस बनाया इसने, देखिएगा बड़ी जींस, छोटा जींस नहीं है वो, सब बड़ा बड़ा जींस होता है, तो बड़ी जींस कैसा लगता है, भड़कीला लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, लगता है कि भाई कौन सा भस्मा सूट टाइप का आ गया, पूरा खतरनाक राक्षस टाइप का लगता है। तो बड़ी जींस पहना हुआ है, बड़ी जींस कैसा लगता है, भड़कीला कपड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट का मतलब अयोग्य, देखिए वाइफ पकड़ के कूट रही है, फ्यूचर आप लोग का देख लीजिए, जो शादी करने के चक्कर में है, जिनको लग रहा है कि भाई बड़ा जल्दी शादी कर लेना चाहिए, पहले देख लीजिए फ्यूचर ऐसा होने वाला है, तो शादी से पहले 10 बार 20 बार सोच लीजिएगा। तो वाइफ देख ले झाड़ू से पकड़ कूटी जा रही है, तो जैसे ही वाइफ हस्बैंड को पीट दी, भाई ये तो नॉर्मल बात है, पकड़ के पीट दी, तो तुरंत भाई लड़का का माँ तो पहले आएगी दौड़ और पूछेगी कि भाई मेरा बेटा क्यों मारे, तुरंत आई पूछी उनकी माँ, इन्हें पीटी है तुम, बताओ क्यों पीटी है। तुरंत वो बोली क्योंकि ये कैसा आदमी है, अयोग्य आदमी है, निकम्मा है, खाली भर दिन घर में बैठा था, उसका आमदाम नहीं करता है। तुरंत तो सास क्या पूछी कि इन्हें क्यों पीटी है, तो क्यों तो बताया बहू ने कि इन्हें पीटी हूं क्योंकि ये कैसा आदमी है, निकम्मा आदमी है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कुटाइएगा कीजिएगा शादी सोच समझ कीजिएगा। बैंस का मतलब होता है बहुत मारना, गांव में एक पेड़ का नाम जानते होंगे बांस, लड़ाई होता है तो बांसे बांस क्या किया, बहुत मार मारा, बांसे बांस क्या किया, बहुत मार मारा। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं लारसेनी का मतलब क्या होता है, चोरी करना, लारसेनी मतलब चोरी करना है, गांव जानते होंगे छेनी हथौड़ी, जो कोई चीज को तोड़ना होता है ना, छेनी हथौड़ी का, कोई ताला तोड़ना है, कुछ तोड़ना है लोहा का, तो छेनी हथौड़ी। तो क्या बोला, ला रे छेनी क्यों, क्योंकि ताला तोड़ के क्या करना है, चोरी करना है, देखिए ताला है यहाँ पर, तो छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है, तो ला रे छेनी क्यों, क्योंकि चोरी करना है, ताला तोड़ना है। अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग, लास्ट वर्ड है आज का, मैली का मतलब होता है धक्का मुक्की, मैली बड़ा आसान सा लॉजिक है, मेले में आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल आसान सा वर्ड है मेले, मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होता है, मेले में पता है ठूस ठूस के बड़ा होता है, तो धक्का मुक्की तो नॉर्मल बात है, तो मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होता है। उम्मीद है सारा वर्ड आप लोगों को याद हो गया होगा, मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होता है। लारसेनी को क्या हो गया, चोरी करना, बांसे बांस क्या किया, बहुत मार मारा, इन्हें क्यों पीटिया, क्योंकि यह कैसा बंदा है, अयोग्य है, बड़ी जींस पहना है, यानी कैसा लग रहा है वो, जींस भड़कीला लग रहा है। अगला है भालपिन खोल लिया, कैसा आदमी है, दुष्ट आदमी है। अगला वर्ड है यम्मी, मम्मी का खाना कैसा होता है, यम्मी होता है, स्वादिष्ट होता है। अगला वर्ड है डोली में फूल जैसी बेटी को विदा करते हुए माँ बाप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगला वर्ड है अब रो गेट पर, क्योंकि अंदर आने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। अगला है 4-pack बियर बोला पीने के लिए, तो बोला मना कर दिया, भाई इतना नहीं पीना है मुझे, 4-pack नहीं लगाना है, दूर हट गया। एजी ओजी सुनने के लिए लड़का सब क्या होता है, उत्सुक होता है। अगला है डर लगता है, क्या चीज देख के, भयानक चीज देख कर डर लगता है। अगला है बने हैं भोलेनाथ, क्या करने के लिए, परोपकार करने के लिए। अगला वर्ड है कौन रॉबरी किया रहते हैं, उसको क्या करो, पेश करो। अगला वर्ड है बातें बात पर क्या हो जाती है, बंदी ये गुस्सा हो जाती है, बातें बात पर देखो मुंह फुला ली। अगला वर्ड है राम का पेंट क्या होता है, अनियंत्रित हो गया, लटक रहा है। अगला वर्ड है भानोई का मिलन किस आसार से, भानोई कैसा है, खुश मिजाज है। अगला वर्ड है आप रो रहे हैं तो घर में क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। अगला लास्ट और फर्स्ट वर्ड है आपके कल्पने से क्या आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। उम्मीद है सारा वर्ड आप लोग को आज वाला याद हो गया होगा, और आप लोग ने फर्स्ट वीडियो को बहुत सारा स्टूडेंट बहुत लोगों ने शेयर किया, व्हाट्सएप पे सभी पर्सनली सब लोगों को शेयर कर दिया कीजिए, बस आप लोग का 2 मिनट लगेगा। और जब इतना चीज आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं, 2 मिनट निकाल सकते हैं अपने टीचर के लिए। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा ये वीडियो, और आज मैं सभी जितना भी 3 क्लास हुआ है, मैं 3 क्लास का PDF आज प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं 3 क्लास का PDF इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक टेलीग्राम का, और उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है, सभी लोग देख लीजिएगा उसको, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा,
और अगर वीडियो पसंद आया, ये तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को ये तरीका, और आप लोग और क्या चाहते हैं क्लास स्टार्ट करना, इंग्लिश का वो हर एक चीज स्टार्ट करेंगे जो आप लोग का डिमांड होगा, तो आप लोग और क्या चाहते हैं कमेंट में बताएगा जरूर, कि ग्रामर या स्पोकन क्या चीज या कॉमन एरर क्या चीज पहले स्टार्ट किया जाए जरूर बताइएगा आप लोग, मैं उसको जरूर कोशिश करूंगा पूरा करने का। और अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए उनको प्लीज बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, फेसबुक पे हो, जितना भी सोशल साइट्स हो, स्टेटस हो, सब जगह शेयर कीजिए, और मैं इसी तरीके से और मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।